मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर आया हूँ। घर के वास्तु दोष को एकदम सही कर देते हैं ये पौधे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक कर लें बेल आइकन पर, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। घर में पौधों को रखने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और वास्तुशास्त्र में कहा गया है, घर में हरे भरे पौधे जरूर होने चाहिए। हालांकि घर में पौधों को केवल सही दिशा में ही रखना चाहिए और इनको रखते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए मैं अभी बताने जा रहा हूँ। घर के बाहर हो फूलों की क्यारी, आप अपने घर के बाहर और घर के अंदर प्रवेश करने वाले रास्ते के आसपास फूलों की क्यारियाँ जरूर लगाएं, क्योंकि घर के आसपास फूलों की क्यारियाँ होना शुभ होता है और आपके घर से लोगों को सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। तुलसी का पौधा, घर में तुलसी का पौधा होना बेहद ही जरूरी होता है और इस पौधे को आप अपने घर के आंगन में अवश्य लगाएं। इस पवित्र पौधे से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है और घर में शांति बनी रहती है। घर की छत पर हों कई पौधे, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की छत पर भी खास ध्यान देना चाहिए और घर की छत पर किसी भी तरह का कबाड़ का सामान नहीं रखना चाहिए। छत पर कबाड़ होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, इसलिए आप सभी तरह के कबाड़ के सामान को तुरंत हटा दें और अपनी छत पर कई सारे पौधे और फूलों को लगा दें। बेडरूम में रखें सूरजमुखी का फूल, बेडरूम में भी आप छोटे पौधे लगा सकते हैं और सूरजमुखी के फूल के पौधे को रूम में रखने से घर में खुशियां बनी रहती हैं। हालांकि आप इस पौधे को केवल अपने रूम के नैऋत्य कोण में ही रखें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में ये कोना इस फूल को रखने के लिए शुभ माना जाता है। इस फूल के पौधे को चीनी मिट्टी के फूलदान में ही लगाना चाहिए और जब ये फूल सूखने लगे तो इनको अपने रूम से हटा दें और नया सूरजमुखी के फूल का पौधा ले आएं। ऊंचे और घने पौधे, कई पौधे काफी घने और ऊंचे होते हैं और आप इन तरह के पौधों को भी घर में रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में ऊंचे और घने पौधे रखने से घर में सही ऊर्जा बनी रहती है, लेकिन इस प्रकार से पौधों को घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही रखना शुभ होता है और इन पौधों को दीवार से थोड़ी दूर पर ही रखना सही होता है। ड्राइंग रूम में हो फूलों का गुलदस्ता, ड्राइंग रूम घर का अहम हिस्सा होता है और ड्राइंग रूम में रखा हर सामान घर के माहौल पर खासा असर डालता है, इसलिए आप अपने ड्राइंग रूम में रखी हर चीज को सोच समझ कर और सही दिशा में ही रखें और हो सके तो केवल लकड़ी के फर्नीचर को ही अपने ड्राइंग रूम में लगाएं। इसके साथ ही अपने ड्राइंग रूम में फूलों का गुलदस्ता भी जरूर रखें। फूलों का गुलदस्ता होने से सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। आप कांटेदार और बोनसाई पौधे को भूलकर भी घर में ना रखें, क्योंकि ये दोनों पौधे घर में रखने से घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा का ही माहौल बना रहता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया घर में पौधे और फूल होने से बनी रहती है सकारात्मक ऊर्जा, हो जाती है सारी परेशानियां दूर। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों, हम इसी चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी रोचक बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद।